हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज लेके आए हम एक और बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड क्लास के लिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी थी पहले। अब हम निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिए, निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं हम। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण हमको क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। तो अगर हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या बनेगा कि हमने ऐसा माना कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमने क्या माना है यहाँ पे कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हमने एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया ए बी। ठीक है, ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना है। प्लस क्यू ये हो गया और ये हो गया माइनस क्यू। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, नाम भी दे दिया तो ए, और ये वाला बिंदु हो गया बी। तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना है। क्या लिखेंगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो जो धनावेश मतलब प्लस क्यू आवेश एवं माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, एवं माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल डी दूरी पर द्विध्रुव अक्ष पर द्विध्रुव के लंबवत एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है।
ठीक है, ये जो सारी बातें लिखी हैं इसको हम इधर पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कहा, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2L है। अगर ये 2L है तो इधर से ये वाली दूरी हो जाएगी आपके पास कितनी, L। ये वाली दूरी हो जाएगी L और बची हुई शेष दूरी ये भी क्या हो जाएगी, L। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, जो द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O, उससे d दूरी लंबवत, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से d दूरी लंबवत द्विध्रुव के निरक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। ये जो बिंदु है, ये बिंदु हो गया P, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो गई, स्मॉल t। अब हमने क्या किया, इस बिंदु P से बिंदु A को मिला देंगे। तो बिंदु P से जब बिंदु A को मिलाएंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, सबसे पहले हमने इस P से ये वाला बिंदु मिला दिया इस तरह से, और ऐसे ही हमने A से अलग से ये बिंदु A से मिला दिया, ये P से मिलाया है, और दूसरा ये वाला बिंदु भी इससे मिला दिया, Q माइनस Q को भी मिला दिया, ठीक है। अब ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी होगी सबसे पहले, तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिया। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, देखें इनको नाम दे दिया ए ओ, ये बिंदु पी हो गया, तो हमने यहाँ पे लिखा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में ये समकोण त्रिभुज लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। समकोण त्रिभुज एओपी में किसे लिख रहे हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पे हमने लिखा पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, इस त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर मतलब एपी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। देखो एपी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर एल स्क्वायर। एपी की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी आपके पास, अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। या आप एपी को क्या लिख सकते हैं, तो आप एपी को लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। अब हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी दिशा आवेश से दूर की ओर जाती है, इस तरह से दूर की ओर जाएगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी दिशा आवेश से पास की ओर जाएगी। तो ये प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर ये क्या हो गया आपका कितना, E1, और ये माइनस क्यू आवेश से पास की ओर तो ये हो गया क्या, E2। ये वाला कोण हमारा बन रहा है कितना, थीटा, और ये वाला कोण भी क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, इसकी परिणामी परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परिणामी तीव्रता को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता है E1 और E2, तो इसके बीच में आएगी E। ये परिणामी तीव्रता यहाँ आ गई E, इसको हम लिखेंगे क्या, E। ये दोनों की परिणामी या ER जो भी है वो लिख दें। अब देखिए इसको हमने इन दोनों पॉइंट्स को इससे ज्वाइन करवा दिया, इसको इसको भी मिला दिया इससे, ये परिणामी तीव्रता से, और इसको भी मिला दिया यहाँ पे, इस तरह से ये परिणामी तीव्रता आपको प्राप्त हो जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब बिंदु P पर ये परिणामी तीव्रता जो है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से क्या लिखेंगे कि ये वाली दूरी आपको पता चल गई, ये जो है वो है रूट में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई, ये बात समझ आ गई। तो हमने कहा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आगे देखें क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी।
तो देखिए इसका जनरल फॉर्मूला जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने पढ़ा होता है ई बराबर 1/4πε0 × Q/r2। यहाँ से अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण आएगी E1 = 1/4πε0 × Q/√d²+L²2। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करके क्या लिख पाएंगे, इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे, स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ जाएगा क्या E1 = 1/4πε0 × Q/√d²+L²। ये पहला समीकरण आ गया। फिर इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए जब माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा E2 = 1/4πε0 × Q/, अब इसमें माइनस चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि माइनस के कारण आपने क्या ले लिया, दिशा को ले लिया, माइनस के कारण आपने दिशा को ले लिया तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 × Q/, ये वाली दूरी भी क्या होगी रूट में D²+L², तो मतलब इसी प्रकार ये आ जाएगी D²+L², ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर हम बात करते हैं कि बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है तो देखें ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण से ये भी क्या बनना चाहिए आपके पास में थीटा, और ये लाइन आपने आगे बढ़ा दी तो ये इसके समांतर जा रहा है तो ये थीटा है तो ये भी क्या बनना चाहिए, ये भी थीटा बनना चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे E1 और E2 को दो लंबवत घटकों में वियोजित कर देंगे, तो E1 को पहले घटक में वियोजित करेंगे तो हम E1 को देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे घटक में वियोजित करने पर E1 को घटक में वियोजित किया तो ये वाला घटक आ गया आपका E1 sin θ और ये वाला घटक आ गया आपका क्या E1 cos θ। ये घटक यहाँ से ये आ जाएगा क्या E1 cos θ और ये क्या आ जाएगा E1 sin θ। ऐसे E2 के दो घटक बनाएंगे तो एक तो ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्या आएगा आपका, इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ये E2 sin θ और ये इधर की तरफ एक और आएगा ये क्या आएगा E2 cos θ। ठीक है, अब यहां पर देखिए E1 और E2 परिमाण में समान है और दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं। ध्यान दीजिए घटक E1 sin θ और E2 sin θ परिमाण में समान, ये बिंदु P हो गया और दिशा में विपरीत हैं, आते एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो परिणामी तीव्रता घटक E1 cos θ और E2 cos θ के कारण प्राप्त होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए E1 एवं E2 को दो लंबवत घटकों में वियोजित करने पर ज्ञात करने के लिए E1 एवं E2 को दो लंबवत घटकों में वियोजित करने पर वियोजित करने पर
वियोजित करने पर घटक, इवन कॉस थीटा करने पर घटक, इवन कॉस थीटा सॉरी घटक इवन साइन थीटा एवं इवन साइन थीटा एवं ई टू साइन थीटा परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत हैं। परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत हैं अतः एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी ये लिखना है। पहले आप इतना नोट कर लें शुरू से और इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो आप यहाँ से ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो नोट कर लें साथ में, इसके बाद हम आगे और आपको समझाते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लें, ये वाला और ये वाला टर्म सारा इसको नोट कर लें अच्छे से, फिर हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए देखिए क्या किया, यह हटा दिया और E1 और E2 का मान हमने रख लिया अपने पास में कि हमको E1 की आवश्यकता पड़ेगी और E2 की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे E1 और E2 को, E1 को और E2 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी, देखो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बिंदु P पर परिणामी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम परिणामी तीव्रता की बात करते हैं तो ये बनेगा आपका क्या, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि हम पहले ऐसा सिद्ध कर चुके हैं E1 और E2 बराबर हैं आपस में, क्या सिद्ध कर चुके हैं कि देखो E1 और E2 के जो मान थे वो बराबर थे, तो हम बगल में ऐसे लिखेंगे कि चूंकि E1 बराबर है किसके, E2 के, तो हम इन दोनों को बराबर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका क्या, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो परिणामी तीव्रता E बराबर आएगी 2E1 cos थीटा, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब E1 का तो मान पता है हमको, अगर cos थीटा का मान और ज्ञात कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, E1 का मान तो पता है, E1 का मान क्या है, 1/4πε0Q/D² + L², ये है। cos थीटा का मान और ज्ञात करना है तो cos थीटा का मान, ये E1 का मान हम यहाँ लिख देते हैं, E1 आपका जो है वो बराबर है किसके, E2 के, और ये मान क्या है आपका, 1/4πε0Q/D² + L², थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख दिया और ये हटा दिया, ये बात समझ गए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसके बाद आगे,
ये हमने ये कम्प्लीटली इसको इरेज कर दिया। अब देखिए इसके बाद हम ये कैसे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे एक ई1 और ई2 का मान तो पता है, ये समकोण त्रिभुज लिया, इसके बाद आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ए ओ पी, ए ओ पी में ये वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा वाला, ए ओ पी, इसमें किसका मान चाहिए, कोस थीटा का, तो हम लिखेंगे क्या, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। बताएं आधार क्या है इसमें, तो आधार आपका ये हो गया एल, और कर्ण क्या है, तो कर्ण है आपके पास में डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की घात एक बटे दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मान रखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा ईवन एवं कोस थीटा का मान रखने पर, ईवन एवं कोस थीटा का मान रखने पर, ईवन एवं कोस थीटा का मान रखने पर, अब आप यहाँ पे मान रखेंगे तो ई बराबर आ जाएगा टू इंटू ईवन, ईवन का मान क्या है आपके पास में, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ये तो ईवन का मान आ गया, कॉस थीटा का मान क्या है, एल अपॉन डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की घात एक बटे दो, ठीक है। सॉल्व कर लें इसको, तो ये जाएगा आपका क्या, यहाँ से देखें ये सॉल्यूशन आएगा आपका ई बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये बनेगा क्या, q इंटू टू एल बटे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात एक है, और यहाँ पे एक बटा दो है, तो ये कुल घात हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात तीन बटे दो। अब हमने ऐसा पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो होता है p बराबर q इंटू टू एल, अब ये q इंटू टू एल हो जाएगा, तो यह जाएगा आपका e बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू टू एल को हमने p लिख दिया, अपॉन में यह आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात तीन बटे दो, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई हमको, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस लगा दी, जैसे कि अगर हमने ऐसे कहा कि यदि द्विध्रुव छोटा है, यदि द्विध्रुव छोटा है, द्विध्रुव कैसा है, छोटा है, यदि द्विध्रुव छोटा है तब क्या होगा, d का मान जो है वो बहुत ज़्यादा होगा किससे, l से, तो ये वाला l स्क्वायर वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यह जाएगा क्या, e बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन d स्क्वायर इसकी घात तीन बटे दो, और इसको हमने सॉल्व किया, जब सॉल्व करेंगे तो दो से ये दो कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा आपका e बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन डी क्यूब, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, अच्छे से इसको तैयार कर लें, ठीक है। तो आपको इतना पढ़ के आना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।